ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी फिल्म एंड म्यूजिक एक्सपर्ट राजीव विजयकर जी ने अनमोल रत्न के आज के एपिसोड के लिए एक ऐसी सुपरहिट फिल्म चुनी है जो आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए चंबल के डाकुओं के आत्मसमर्पण अभियान से इंस्पायर्ड थी। नमस्कार, मैं आरजे रुचि बात कर रही हूँ 1961 की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की, जो आर के फिल्म्स की आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, जिसे प्रोड्यूस किया राज कपूर ने और डायरेक्ट किया था उन्हीं के सिनेमाटोग्राफर रह चुके राधु कर्माकर ने। फिल्म की कहानी अपने ही रचे हुए गीतों को गाने बजाने वाले अनाथ राजू के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अंडरकवर पुलिस के धोखे में डाकू किडनैप कर लेते हैं। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ जी, तो फिर फौज का आदमी है। जी जी नहीं, मैं किसका आदमी है? भगवान का आदमी। लेकिन आगे चलकर वही राजू सभी डाकुओं के आत्मसमर्पण की वजह बनता है। फेंक दे इस दो नाली को, इस लोहे की डायन ने महात्मा गांधी सरीके को नहीं पहचाना, वो तेरे को क्या पहचानेगी मेरे भाई। फेंक दे अपनी राइफल, तुम सब अपने हथियार फेंक दो। शुरुआत में राज कपूर इस फिल्म में एक भी गाना नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस बात पर जोर दिया कि गीत संगीत उनके फिल्मों की खासियत रही है। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन भी ऐसी फिल्म करने से थोड़ा झिझक रहे थे जिसमें गाने का स्कोप ना के बराबर हो, लेकिन राज कपूर की बातों से इंस्पायर होकर उन्होंने ऐसे चार्ट बस्टर गाने कम्पोज किए कि फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो बात करते हैं फिल्म के उन्हीं सदाबहार गानों की, जिसके पहले नंबर पर आता है मेरा नाम राजू। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। सधे हुए अंदाज में गाया हुआ मुकेश का ये गीत पहले ही दिन से म्यूजिक लवर्स की जुबान पर चढ़ गया था, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा शैलेंद्र के सीधे सादे पर बेहद असरदार लिरिक्स का। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना। कविराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना। प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना। मेरा नाम राजू, जिसका हर एक शब्द ह्यूमन फिलॉसफी और इंसानी जज्बात को बयां करता नजर आता है, खास तौर से गाने के आखिरी अंतरे की लाइन। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना। ढपली उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम। जिस देश में गंगा बहती है के टाइटल सॉन्ग को फिल्म के थीम सॉन्ग के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, जो चार हिस्सों में बटा हुआ है और जिसकी हर एक लाइन में भारतीयता और उसकी कल्चरल वैल्यू की झलक साफ दिखाई देती है। फर्स्ट पार्ट में टाइटल सॉन्ग की शुरुआत सीधे अंतरे से होती है, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला
क्या सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सेकेंड पार्ट में मुखड़े के साथ साथ दो अंतरे को भी फिल्म के बीच में सिचुएशनल सॉन्ग के तौर पर यूज किया गया है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तीसरे भाग में अंतरे का सैड वर्जन है, जिसमें इंसानियत के गिरती हुई सोच पर अफसोस जाहिर किया गया है। ये लूट खसोट, ये डाका दनी, भाई की भाई सेना बनी, ये धरती क्या कुछ सहती है, उस देश में ये भी होता है जिस देश में गंगा बहती है, उस देश में ये भी होता है। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में आने वाले थीम सॉन्ग के फोर्थ पार्ट में भी सिर्फ अंतरे का ही इस्तेमाल हुआ है। हम कल क्या थे, हम आज हैं क्या, इसका ही नहीं अभिमान हमें, जिस राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें, है उसकी भी पहचान हमें। इस धारा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या हुआ ये मुझे, क्या हुआ क्या पता, जाने क्यों मचल रहा है आज दिल मेरा, प्यार की डगर पे कोई तुझे ले चला, कौन है वो, कौन है हमें भी तो बता, क्या हुआ। लता मंगेशकर और आशा भोसले के सुरों से पिरोए हुए इस मस्ती भरे डुएट में पहले पहले प्यार की खुमारी का एहसास है, जिसकी वजह से फिल्म की नायिका अनजान है, इसीलिए वो अपनी सहेली से पूछती है क्या हुआ ये मुझे, क्या हुआ, और जवाब में सहेली बताती है कि उसे प्यार हो गया है। शंकर जयकिशन इस तरह की सिचुएशन को सुरों में ढालने के माहिर रहे हैं, और हंसी मजाक के ऐसे पलों को उन्होंने अपने कई सुपरहिट कॉम्पोजिशंस में तालबद्ध किया हुआ है। जब कोई प्यार के रंग में रंग जाता है तो उसके होठों पे अनायास ही ये गीत उभर आता है। ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, ओ मैंने प्यार किया। शंकर जयकिशन के इस फुट टैपिंग कॉम्पोजिशन को लता मंगेशकर ने कुछ ऐसे अंदाज में गाया है कि सुनते ही नशा चढ़ जाता है। थर थर मन मेरा कांपे, आँख मेरी शर्माए, ओ गोरे गोरे कन पर आज पसीना आए, हाय कहाँ तक तीर संभालूं, तीर सा चुभा कैसे निकालूं,
बढ़ गई और दिल की बेताबी बेताबी। उन्होंने करीब 2 साल पहले कुछ इसी अंदाज में सलिल चौधरी की धुन पर मधुमति के लिए एक गीत गाया था, चढ़ गए ओ पापी बिछुआ। वो तैयारे तैयारे चढ़ गए पापी के अपने इस इकलौते गीत के बारे में हसरत जयपुरी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि गाने के एक अंतरे में उन्होंने एक लाइन लिखी थी जिसे सेंसर बोर्ड ने वल्गर मानते हुए चेंज करवा दिया था। हो बन बन डोले उमरिया शबाबी शबाबी या 60s के दौर में शायद ही ऐसा कोई मल्टी सिंगर सॉन्ग रहा हो जिसमें लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे सिंगर्स एक साथ इन्वॉल्व रहे हो। है आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। 7 मिनट से भी अधिक ड्यूरेशन वाले इस गाने की शुरुआत फिल्म के मेन विलन राका से होती है, जो अपने अंदाज में अपने रुतबे की बात करता है, तो फिल्म का हीरो राजू बड़े प्यार से ये कहकर उसका गुरूर चूर चूर कर देता है, तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है, होई 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 होई। वो प्यार में मिटो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। एक मशहूर कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसे गीतकार शैलेंद्र ने मुखड़े के तौर पर यूज किया है और जो सिचुएशन में भी एकदम फिट बैठता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मन मौजी को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मन मौजी को मुश्किल है समझाना। छेड़छाड़ और मस्ती से भरपूर इस डुएट सॉन्ग में लता का साथ दिया है मुकेश ने। अपना बेगाना कौन, जाना अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन, पल में लुट जाता है यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। आगे चलकर लता मंगेशकर ने आनंद घन नाम से अपनी अवार्ड विनिंग मराठी फिल्म साधी माणस के एक सुपर हिट सॉन्ग का मुखड़ा इसी गाने से इंस्पायर होकर कंपोज किया था। गीत संगीत और गायकी की खूबसूरत मिसाल है ओ बसंती पवन पागल। जिसमें खास तौर से लता के थरथराते सुरों ने भावनाओं का एक जैसे तूफान सा खड़ा कर दिया है। याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है, याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है, हम जो हारे दिल की बाजी ये तेरी फिल्म की हीरोइन कम्मो अपने से दूर जाते हुए राजू को याद दिलाने की कोशिश करती है। सुन
ये चार्ट बस्टर सॉन्ग राग वसंत मुखारी पर बेस्ड है, जो कि कार्नेटिक राग वकुला भरनम का हिंदुस्तानी अडेप्टेशन है। वैसे माना ये भी जाता है कि राग वसंत मुखारी पर्शियन ओरिजिन के राग हिजाज से वजूद में आया था, जिसके आधार पर और भी कई सुपरहिट गाने कंपोज किए गए। शंकर जयकिशन बैकग्राउंड स्कोर के माहिर कहे जाते थे। उनकी पहली फिल्म से ही उनके बैकग्राउंड म्यूजिक के खूबसूरत भविष्य की झलक सुनाई देने लगी थी। मिसाल के लिए ओ बसंती पवन पागल की मैग्नेटिक ट्यून को 10 साल पहले उन्होंने राज कपूर की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आवारा में बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर बजाया था। फिल्म के एल्बम में करीब एक मिनट के लिए संत कबीर की वाणी का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, जिसे मुकेश ने बड़ी संजीदगी से गाया हुआ है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। जीवन मरण विचार कर, कूड़े काम निवार, जिन पंथों तुझ चालना, सोई पंथ समार, जिन पंथों तुझ चालना, पंथ समार। ऐसा कहा जाता है कि जो बात बोल के ना समझाई जा सके, उसे सुरों का रंग देकर किसी के भी दिल में आसानी से उतारा जा सकता है। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। ऐसा ही एक संदेश है जो चंबल के डाकुओं के दिल में चुभ जाता है, और वो संदेश है, जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से, मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। इस गीत को गाते हुए मुकेश ने ले को पंजाबी एक्सेंट में लाई प्रोनाउंस किया है, जो सुनने में अच्छा लगता है। फांसी चढ़ जाएगा, प्यार कर ले। जिस देश में गंगा बहती है का क्लाइमैक्स सॉन्ग है आ अब लौट चले, जिसे आज के अनमोल रत्न के तौर पर चुना गया है, जो हत्या और लूटपाट के दलदल में फंसे डाकुओं को अपराध की दुनिया से बाहर निकलने का संदेश देता है। आ अब लौट चले, आ अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें बसाए, तुझको पुकारे देश तेरा। मुकेश की सेंसिटिव सिंगिंग के बीच गूंजते हुए कोरस को ऊंचे सुरों से चीर कर उभारते हुए लता मंगेशकर के सहज और स्वाभाविक आलाप पूरे गीत में एक नया जोश भर देते हैं।
ओरिजिनल सॉन्ग की सबसे बड़ी खासियत है शैलेंद्र की कलम से निकले हुए इसके बोल, जो सुनने वालों को रोमांचित कर देते हैं। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग में शंकर जयकिशन ने 100 ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन दिनों किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए कुछ म्यूजिशियंस की रिकॉर्डिंग बाद में की गई और उसे रिकॉर्डेड सॉन्ग के साथ जोड़ दिया गया। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। इसी गीत से और फिल्म में उसकी सिचुएशन से इंस्पायर होकर ऋषि कपूर ने 1999 में एक फिल्म डायरेक्ट की थी आ अब लौट चले, जिसमें उन्होंने NRIs को उनकी मातृभूमि पर वापस लौटाने की कोशिश की थी। RK फिल्म्स की ये आखिरी फिल्म भी थी। इसी के साथ RJ रुचि आपसे इजाजत लेती है, लेकिन आप लोग आज के अनमोल रत्न सॉन्ग को बिल्कुल मिस मत करना।